तुर्की के जिस काउंटर अटैक की धज्जियां उड़ाने का रूस दावा कर रहा है उसका सच अब सामने आ चुका है। और ज़ेलेंस्की की सेना दक्षिणी यूक्रेन से लेकर पूर्वी यूक्रेन तक कई मोर्चों पर फिर से एक्टिव हो गई है और इस वक्त अगस्त के महीने में ही कई टारगेट सेट भी किए जा चुके हैं और ज़ेलेंस्की पुतिन को एक बहुत बड़ा शॉक देने की तैयारी में है। एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, महायुद्ध ने कितनों की बलि ली हिसाब किसी के पास नहीं है। बस एक हिसाब ज़ेलेंस्की के पास है और वो है उनकी सेना किस किस मोर्चे पर कहां कहां लड़ रही है। कहां हार रही है, कहां जीत रही है, कहां जमीन पर दोबारा कब्जे कर रही है। यूक्रेन रूस के खिलाफ इस वक्त चार मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। हवा में ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज के ड्रोन क्राइमिया पर कहर बरपा रहे हैं। एक साथ तीन तीन ड्रोन से हमले हुए हैं। काला सागर के पानी में घुसकर यूक्रेन समुद्री ड्रोन से रूस के वॉरशिप को उड़ा रहा है। पूर्वोत्तर फ्रंट पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। दक्षिण के मोर्चे पर बखमूत में इस वक्त ज़ेलेंस्की ने भीषण संग्राम छेड़ दिया है। इसमें अगर एक और मोर्चा रणनीति का जोड़ लें तो ज़ेलेंस्की के जंग की जादूगिरी बारीकी से समझ पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब में जिस 40 देशों की शांति वार्ता होनी है उसमें रूस शामिल नहीं हो रहा। ज़ेलेंस्की प्रसन्न है कि कुछ तो बात बनेगी। नाटो के हथियारों के दम पर कब तक यूक्रेन अपनी खैर मनाएगा, मतलब इस मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की पुतिन से आगे है। इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। उसके पहले उन मोर्चों की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे ज़ेलेंस्की की सेना हाई जोश में रूस को रौंद रही है। जून में जब ज़ेलेंस्की ने काउंटर अटैक की शुरुआत की तो नाटो को लगा कि अब रूस की हार निश्चित है, लेकिन थोड़े ही दिनों में ज़ेलेंस्की की जंग की रणनीति गड़बड़ा गई। नाटो ने दबाव बनाना शुरू किया कि ज़ेलेंस्की आगे बढ़ो वरना हमारा पिंड छोड़ो। नाटो ने हथियार सप्लाई बढ़ाई और ज़ेलेंस्की ने हमलों की तादाद। नतीजा ये कि इस वक्त रूस नए क्षेत्रों को जीतना तो दूर जो है उसको ही बचाने में लगा है और उस पर आलम यह कि इन्हें बचा पाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा। ज़ेलेंस्की के हमलों ने रूस की सेना की गत बना दी है। पुतिन हाहाकारी हार के दौर से गुजर रहे हैं। रूस को यूक्रेन के चारों दिशाओं से हो रहे हमलों ने तोड़ कर रख दिया है। पुतिन की एक भी चेतावनी या धमकी से ज़ेलेंस्की के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उदाहरण सामने है, धड़ाधड़ यूक्रेन के हमले रूस के घर में घुसकर। लेकिन अभी इसकी नहीं, उस मोर्चे की डिटेल जिसे पुतिन ने युद्ध में सबसे पहले जीता। वैगनर आर्मी के जवान बताते हैं कि जिंदगी मौत की तरह थी जब वो ठंड में बखमूत जीतने के लिए मोर्चा संभाल रहे थे। आदमी को जमा देने वाली जंग में रूस ने बखमूत को हासिल किया था। अब इसी बखमूत को बचाने के लिए रूस की 1,00,000 सेना तैनात की गई है। यूक्रेन कमबैक कर रहा है। बखमूत दक्षिणी मोर्चों के लिए द्वार है। यहाँ साल भर लंबी लड़ाई चली। दुनिया के इतिहास में बखमूत की जंग कभी नहीं भुला देने वाली खून भरी दास्तान है। और बखमूत ही नहीं, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्टारोमैरोस, दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के रोबोटिनी में यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है। जाड़े के दिन बिताने के बाद वैगनर आर्मी लौट आई, लेकिन रूस के सिपाही अब तक टिके हैं घरों से दूर, क्रोध और जिद की लड़ाई में।
जमीन पर ज़ेलेंस्की की जीत के कई मतलब हैं। मोर्चे पर आगे बढ़ने का मतलब है कि ज़ेलेंस्की ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। जिन इलाकों पर यूक्रेन का पताका फिर से फहरा रहा है, पुतिन के लिए उन इलाकों को फिर से हासिल करना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होगा। क्लियर होने के लिए आपको यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे के रिपोर्ट मैप पर समझनी होगी, क्योंकि यही वो अजो सागर है जहां ज़ेलेंस्की का पहुंचना लक्ष्य है। मैप के सबसे ऊपर में आपको ज़ापोरिज़्या दिख रहा है। इस शहर का न्यूक्लियर प्लांट रूस की सेना के कब्जे में है, लेकिन शहर पर यूक्रेन का कब्जा है। नीचे आइए, ये मारियोपोल है, अजोव सागर के किनारे बसा यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक। इससे नीचे का शहर है बर्दियांस्क, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है। उसके नीचे है मेलिटोपोल, ये भी रूस के कब्जे में है और ये अजोव सागर के किनारे है। इन इलाकों पर ज़ेलेंस्की जबरदस्त हमले कर रहे हैं। मैप की ये जो जगह काला सागर में दिख रही है, नोवोरोसिस्क है, जहां सी ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की के जोरदार जवाब के लिए नेटो से भरपूर मसाला आ रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना इस वक्त रसद और हथियार से मालामाल है। ज़ेलेंस्की जी भर ड्रोन उड़ा रहे हैं, सस्ता भी है, और हमले के बाद बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। फेदाइन ड्रोनों ने ज़ेलेंस्की को नए जोश से भर दिया है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ेलेंस्की बारिश शुरू होने से पहले कुछ ठोस हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी रणनीति फोकस है अजोव सागर तक पहुंचने। अजोव पूर्वी यूरोप में एक छोटा सा सागर है जो करीब पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ है। अजोव सागर दुनिया का सबसे कम गहराई वाला समुद्र है। अजोव सागर को कर्च जलड मरुमध्य नाम का एक 4 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता ब्लैक सी से जोड़ता है। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में क्राइमिया प्रायद्वीप है। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है मैप पर आपने समझा, अब इसका कारण भी जानना जरूरी है। नाटो खुला खेल फरोखाबादी खेल रहा है, वो ज़ेलेंस्की को भी उखाड़ फेंक सकता है, वो रूस को हराने के लिए सब कुछ कर सकता है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की जीत रहे हैं और कम से कम इस वक्त तो पुतिन हार रहे हैं। उदाहरण देखिए, डोनेस्क। पुतिन ने यूक्रेन के पूरब में डोनेस्क को जीतने के लिए सेना के 3 डिवीजन यानी 60,000 जवानों को तैनात किया था। इसका नतीजा भी दिखा, डोनेस्क पर पुतिन की सेना ने ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि पुतिन ने डोनेस्क में जनमत संग्रह कराकर उसको रूस में शामिल भी कर दिया। लेकिन अब यही डोनेस्क रूस की सेना को डरा रहा है। ज़ेलेंस्की डोनेस्क के मोर्चे पर बेहद कामयाब होते दिख रहे हैं। सितंबर 2022। असल में पुतिन ने पहले जहां जहां कब्जा किया, ज़ेलेंस्की अब वहां वहां काउंटर अटैक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास खुद ये इलाकों को पाने के वो ये बेहतरीन मौका लगता है। लिहाजा डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़्या, यूक्रेन की सेना फुल ऑन अटैकिंग मोड में है। उदाहरण पोर्ट वाले हमले देख लीजिए, ब्लैक सी के ओडेसा पोर्ट और डेन्यूब नदी के पोर्ट पर रूस ने हमला किया, यूक्रेन का अनाज स्वाहा हो गया। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के भीतर उसी काला सागर में घुसकर यूक्रेन के सी ड्रोन ने रूस के वॉरशिप पर हमला कर दिया। रूस ताकता रह गया, ऐलान हुआ कि पुतिन ज़ेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन याद हो तो वॉरशिप पर हमला रूस के इस कथन के बाद हुआ कि मामला नहीं संभला तो पुतिन परमाणु बम चलाने से भी बाज नहीं आएंगे। काउंटर अटैक के लिए